दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको दिल्ली के इस लड़के के बारे में जरूर सुनना चाहिए, जिससे आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए एक बेस्ट मोटिवेशन और पढ़ने के लिए एक अच्छा जो है जुनून मिलेगा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली का एक लड़का मोहम्मद सुफियान, जो मात्र 11,000 की नौकरी में, वो भी गार्ड की नौकरी करके, अपने ड्यूटी के ही दौरान अपने छोटे से ऑफिस में कुछ पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई के ही दौरान एक प्रसिद्ध फिल्मकार विनोद कापरी वहां से जा रहे थे। यानी कि विनोद कापरी ने जब ये देखा कि ये लड़का कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो उसने जा करके देखा कि उसके पास जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के किताबों का ढेर लगा हुआ था और वो लड़का पढ़ाई कर रहा था। जब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा कि आप ये किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उस लड़के ने कहा, मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं और मेरा सपना आईएएस बनने का है। दोस्तों, सुफियान की इस बात को सुनकर के विनोद कापरी ने अपने ट्विटर हैंडल में ये लिखा कि अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो, आप में बस आपका लगन होना चाहिए। अगर आपने किसी भी चीज को लगन से किया तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इस ट्वीट को देख करके बहुत सारे आईएएस और आईपीएस भी सुफियान के इस लगन की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको सुफियान और विनोद कापरी के इस जवाब के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा। और इसी तरह के मोटिवेशनल और हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।